नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़ और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो आज 10 मार्च है, वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि आज आ रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और मैं ही हूं यहां आपको पल पल का ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो रुझान सामने है, बीजेपी को भारी जनाधार मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि किसकी बनेगी सरकार और किसको मिलेगी हाथ। तो इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद मुजफ्फर अली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी मुजफ्फर जी, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है जी जी हमारे चैनल शुक्रिया पर। तो शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अखिलेश जी ने, सपा ने बहुत दावे किए कि हम 200 से ऊपर लेके जाएंगे, 300 से ऊपर लेके जाएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, पर रुझान तो कुछ और ही कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव का ये अहंकार हारा है। अखिलेश यादव की अहंकार की हार हुई है। यानी अखिलेश यादव लाख दावे कर रहे थे, उनको गुमान था कि पूरी सीट यानी फुल बहुमत से हम उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, अपनी सरकार बनाएंगे। आज आज उनका गुमान आज टूट चुका है, आज धराशायी हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ये अखिलेश यादव के अहंकार की हार हुई है। इसी यही कारण है कि जनता ने अखिलेश यादव को नकारा है। तो अखिलेश जी का कॉन्फिडेंस हारा, उनका गुमान हारा। तो हम देखते हैं कि केजरीवाल सरकार बाकी 4 राज्यों में तो नहीं आ रही है, सिर्फ पंजाब में आ रही है। तो आपका क्या कहना है इस सब को लेके? आपका भी तो बाकी 4 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है। देखिए, सबसे अहम बात, सबसे अच्छी खबर तो यह है कि पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ एक पारी की शुरुआत हुई है, एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हुई है। आम आदमी पंजाब के अंदर आई है। पंजाब के अलावा बताइए ना, पंजाब के अलावा बाकी जगह आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी तो बहुत कॉन्फिडेंट थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश में पहली बार 403 सीटों पर बिना किसी से गठबंधन करे आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और चुनाव लड़ा है। जनता का काफी सहयोग मिला है, जनता का काफी जो प्यार मिला है। और आने वाले विधानसभा 2027 में हम, मैं आपसे बता दूं, 2027 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी। ये हमने अब जो हमारी मेहनत थी, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम मेहनत करेंगे और आने वाले 2027 में बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमने देखा कि कई रैलियों में बीजेपी के नेताओं को लाठियां बजाकर भगा दिया गया, लोग उनकी बैठकों में नहीं बैठ रहे थे, रैलियों में काफी कम संख्या थी लोगों की, उसके बाद भी बीजेपी को इतना भारी जनाधार मिल रहा है 4 राज्यों से, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है कि जहां पर भीड़ नहीं जुट रही थी, जहां पर प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा था, उनको गांवों से बाहर जो निकाला जा रहा था, यानी उन्होंने बैनर लिख दिया था कि किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, और वहां से अगर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो रही है तो जनता सब जानती है जनता की ये क्या हो रहा है, कैसे जीत हो रही है। आप एक बात बताइए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बस्ते संभालने वाले नहीं मिल रहे थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। ये जनता मूर्ख नहीं, जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि ये कैसे जीता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकाली दल का पत्ता साफ कर दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि केजरीवाल की बातों पर, उनके वादों पर जनता को यकीन है? देखिए, पंजाब की जो जनता है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को पंजाब में बुलाया है, पंजाब में सरकार बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा जो जताया है। मैं आपको बता दूं, जो पंजाब में जो भी समस्या थी उस समस्या का समाधान होगा, तो और जो भी जो इस समस्या का जो हल जो हो सकेगा या जो करेंगे वो सिर्फ एक है, जो अरविंद केजरीवाल जी जो समस्या का समाधान कर सकते हैं। दिल्ली के देखिए, आप दिल्ली की जनता से पूछ के देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को कितनी दिल्ली पसंद और कर रही पंजाब है। के अलावा बताइए ना, क्या समाधान करेंगे? बाकी जगह से तो आपका सुपड़ा साफ हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अभी नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हम फिर से वापसी करेंगे, रही उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वापसी करेंगे और उत्तराखंड में भी हम वापसी करेंगे। गोवा में हमारी कुछ सीटें हाथ लगी है, गोवा में कुछ सीटें जो हाथ लगी है, आने वाले और चुनाव में जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम पूरी मेहनत के साथ हम हर राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे।
आप पार्टी ने जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने को कहा तो समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी तो बिना गठबंधन के भी यूपी में नहीं आ रही है। देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था, आपसे को बताया था कि अखिलेश यादव का जो गुमान था आज वो टूट चुका है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल यहाँ पर अपना रही थी उत्तर प्रदेश में, और गठबंधन के लिए वो तैयार थी समाजवादी पार्टी के साथ, तो अखिलेश यादव ने उनसे गठबंधन क्यों नहीं किया? उनको भरोसा था कि हम बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो हरा सकता है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो सुपड़ा साफ जो हो सकता है, तो वो आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आगे तो कोई टिक ही नहीं पा रहा है। देखिए, मैंने अभी भी बताया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है, कि जहाँ पर आपने भी देखा होगा कि काफी रैलियां हुई थी, रैलियों में भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी, और जो प्रत्याशी उनका गांव वाले जो विरोध कर रहे थे, जो जनता उनके विरोध कर रही थी, और वहां से निकल जाना ये अपने आप में बड़ा अहम सवाल है। और जो अगर कोई सवाल विपक्ष का नेता उठाता है तो उसको झूठे मुकदमे लाकर अंदर जेल में बंद करवा दिया जाता है। विपक्ष डरा हुआ है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार मुद्दे उठाती रही है और उठाती रहेगी। मैं आपको बता दूं, मुजफ्फर जी, हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश भर की तमाम खबरों के लिए, लाइव अपडेट्स के लिए सिर्फ देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। सर, दूसरी बार